Hey, hi friends, Ranish Kumar this side from Pepcoding. And आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ना थेरिड बानी ट्री के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो बेसिकली ये है क्या और क्यों होता है? अगर आपने जब इसका नाम पहली बार सुना था तो आपने क्या सोचा था, ये क्या होगा? मतलब जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं सोच रहा था कि यार एक ट्री होगा जिसके अंदर नोड्स होंगे लेफ्ट राइट एंड कुछ थ्रेड नाम का कुछ कॉन्सेप्ट होगा जो यूज करता होगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को पॉइंट करने के लिए, ऐसा कुछ होगा, मतलब एक और पॉइंटर होगा। बट जब मैंने इसको रियलिटी में पढ़ा, जब मैंने इसके बारे में नेट पे सर्व किया, विकिपीडिया पे पढ़ा एंड बाकी जगहों पे जब मैंने इसको देखा तो पता लगा कि यार ये तो कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ है कि हमें बस राइट पॉइंटर्स को कहीं पॉइंट करना होता है, बट इसके पीछे की जो इंट्यूशन थी ना वो बहुत ख़तरनाक थी। मतलब वो बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रही थी। जो काम करना इतना ईजी नहीं है, मतलब मेरे लिए तो सोच पाना ईजी नहीं था जब इसको ढंग से समझा, फिर इसके पीछे की जब इंट्यूशन को समझा, फिर इंट्यूशन से किस तरीके से इस ट्री को कंस्ट्रक्ट किया गया, फिर उसके बाद इस ट्री को कैसे कोड किया गया, बहुत ही गजब की चीज़ थी वो। तो मैं आज की वीडियो में ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ थ्रेड बनी ट्री के बारे में बताऊंगा एंड इसकी इंट्यूशन बताऊंगा, फिर इसकी एप्लीकेशंस जो होती है मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड मॉरिस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ऑफकोर्स। मतलब इन मॉरिस ट्रैवर्सल का यूज़ करके मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, तो वो मैं आगे की वीडियोज में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको सिर्फ इंट्यूशन की बात बताऊंगा और ये एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक ट्री है। अब इसमें कहीं मुझे थ्रेड तो नजर नहीं आ रही, बट अगर आपने एक बात ध्यान दियो तो यहाँ पे ना मैं सिर्फ पेरेंट से चाइल्ड की ओर जा सकता हूँ। दिस इज पॉसिबल, बट चाइल्ड से पेरेंट की ओर जाना इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, आप चाइल्ड से पेरेंट की ओर कभी जा ही नहीं सकते हो। फिर क्या करें, अगर मैं चाइल्ड से पेरेंट की ओर नहीं जा सकता हूँ तो इसका मतलब तो फिर ये तो, पर हम जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो वहाँ तो ऐसा हो जाता है। मतलब अगर आपने कभी नोटिस करा है, नहीं करा, बट आपने कभी ध्यान दिया, जब मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाता हूँ तो मैं पहले एफ बी ए, फिर अचानक से डी, फिर सी, फिर ई, उसके बाद फिर अचानक से जी पर पहुँच जाती हूँ। बट प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में तो ऐसा होता है, पर यहाँ तो हम कह रहे हैं कि पेरेंट से चाइल्ड पर जाना पॉसिबल होता है, चाइल्ड से पेरेंट पर जाना पॉसिबल नहीं है। बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आपका जो नोड का स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है। आपका नोड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें रखा होता है एक डेटा, डेटा के बाद यहाँ पे रहते हैं दो पॉइंटर, डेट नेम इज लेफ्ट राइट। लेफ्ट वाला लेफ्ट को पॉइंट करता है, राइट वाला राइट को पॉइंट करता है, एंड यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंटर है नहीं जो वापस इसे पॉइंट करे। तो इसी वजह से पेरेंट से चाइल्ड पे जाना पॉसिबल है, बट चाइल्ड से वापस पेरेंट पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर करें क्या, मतलब इट मीन्स मैं अगर पहचान ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर और मेरे पास सिर्फ दो ही पॉइंटर है तो उसमें थ्रेड का कॉन्सेप्ट कैसा आया? मतलब यहाँ पे कोई पॉइंटर तो बनाया नहीं, तो गारंटीड एक थ्रेड नाम का पॉइंटर होना चाहिए, तभी तो मैं जाऊँगा उसके पास। तो अगर मान लो मैं थ्रेड नाम का पॉइंटर भी साथ बनाऊंगा फिर तो स्पेस ज़्यादा लग जाएगा। फिर तो मॉरिस ट्रैवर्सल एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिकली थ्रेड बाइनरी एक कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकाला, बोला कि यहाँ पे ना एक्स्ट्रा पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो राइट वाला पॉइंटर है ना इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। उसको करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल किस वजह से वापस पेरेंट पे पहुंच जाता है, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि मेरे पास एक एफ नाम का नोड है, मैं इसके लेफ्ट पे कॉल लगाता हूं, देन मैं बी के पास पहुंचता हूं, फिर लेफ्ट पे कॉल लगाता हूं, फिर ए के पास पहुंचता हूं, फिर लेफ्ट पे कॉल लगाता हूं। अब देखो, ए वाला जब नोड आया, अब वो लेफ्ट की ओर जा नहीं पा रहा क्योंकि स्कोप ही नहीं है, मतलब नीचे की ओर स्कोप ही नहीं है ना मेरे पास जाने के लिए, मैं जा ही नहीं सकता। फिर मैं यहाँ पे राइट के लिए ट्राई मारता हूँ, पर राइट पे भी नहीं जा सकता हूँ, राइट के लिए भी स्कोप नहीं है। फिर क्या करूँ, फिर यहाँ से मैं ए को, मतलब मैं यहाँ पर एफ बी ए प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ से ए से घर जाता हूँ बैक ट्रैक, और सडनली मैं बी पे पहुँच जाता हूँ। बट पेरेंट पे जाना तो पॉसिबल था ही नहीं, मैं फिर कैसे पहुँच गया बी पे? एक्चुअल में मैंने यहाँ पर अपना हर एक पेरेंट स्टोर करके रखा हुआ था, तो मैंने स्टैक के अंदर क्या करा, अपना पेरेंट स्टोर कर लिया। अगर मैं स्टोर कर लूँगा तो ए वाला पर्सन तो पेरेंट के पास जा सकता है ना। अब वो पेरेंट के पास जब गया था तो गारंटी के साथ लेफ्ट को लगा के गया होगा। अब वो राइट को लगाने के लिए जा रहा है, तो अब वो राइट को लगाएगा, यहाँ से वो राइट की ओर कॉल लगाएगा एंड वापस जाएगा डी के पास, और डी वाला फिर एल की कॉल लगाएगा, फिर जाएगा सी के पास, और सी वाला लेफ्ट की कॉल लगा नहीं सकता, राइट की कॉल लगा नहीं सकता, उसके बाद यहाँ से बैक ट्रैक करेगा और वापस डी पे पहुंच जाएगा। जब वो वापस डी पे पहुंचेगा देन डी वाला पर्सन राइट की कॉल लगाएगा। तो आप ये देख रहे हो, इसके पास ना एक पॉइंटर ऐसा है जो
यूजलेस, जैसे कि यहाँ पर ना लेफ्ट वाला पॉइंटर यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि अगर लेफ्ट वाला पॉइंटर खत्म हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने ना ये पूरी ब्रांच ट्रेवल कर ली है, मतलब ये पूरी ब्रांच मैंने ट्रेवल की या नहीं की, ये इस बात पर डिपेंड करेगा क्या मैंने इस वाले सेगमेंट को पूरी तरीके से ट्रैवल कर लिया। ये सेगमेंट पूरी तरीके से ट्रैवल हुआ है नहीं हुआ, मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये मुझे इस तरीके से आइडेंटिफाई होगा कि अगर ए के पास लेफ्ट नहीं है तो मैं कह दूंगा कि ये पूरा सेगमेंट ट्रैवल हो गया। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये पूरा सेगमेंट मेरा ट्रैवल हो गया, डी वाला, बिल्कुल। अगर सी के पास लेफ्ट खत्म हो गया तो ये पूरा सेगमेंट ट्रैवल हो चुका होगा, ये पूरा सेगमेंट। एंड क्या डी वाला, क्या जो डी वाला सेगमेंट है क्या वो पूरा ट्रैवल हुआ है, वो कैसे डिपेंड होगा? देखो इसके पास लेफ्ट था, लेफ्ट का सेगमेंट पूरा ट्रैवल हो गया, बट अगर आप इसके राइट की बात करोगे, अब राइट के पास लेफ्ट नहीं है, अब इसका राइट का सेगमेंट भी पूरा ट्रैवल हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं जी की बात करूं तो जी के अंदर लेफ्ट नहीं है बट राइट है, इसके पास राइट है, इसके पास लेफ्ट है, ये पूरा सेगमेंट मेरा ट्रैवल हो गया। मतलब यहाँ पे लेफ्ट वाला जो पर्सन है ना वो आइडेंटिफिकेशन देता है कि उसके लेफ्ट चाइल्ड पूरे ट्रैवल हो गए, जैसे कि इसके पास लेफ्ट नहीं है तो इसके पास लेफ्ट नहीं है, तो मतलब जी का लेफ्ट पूरा ट्रैवल हो चुका है। तो मतलब राइट चाइल्ड जो है ना, जो लास्ट में लीफ नोड का राइट चाइल्ड है, वो मेरे लिए काम का आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखिए जब आप अपने इस रिकर्सिव डायग्राम को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं यहाँ पर F से मैं पहले B पे पहुंचा और B से मैं A पे पहुंचा। अब देखो A से B पे पहुंचना है, अगर मैं यहाँ पर एक थ्रेड बना दूं, मतलब A के राइट चाइल्ड को मैं लिंक कर दूं B के साथ, यानी कि इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं A के राइट चाइल्ड को लिंक कर रहा हूँ B के साथ। अब जैसे ही A बोलेगा कि भाई मेरे पास लेफ्ट खत्म हो गया, तो मैं इस राइट नोड के सहारे वापस बी पे जा सकता हूँ। वो अलग बात है कि मुझे इसको किसी तरीके से संभालना पड़ेगा कि मैं वापस ना इसमें साइकिल में ना फंस जाऊं, इस साइकिल वाली चीज को मुझे हैंडल करना होगा। दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं ए से इस वाले इसके राइट चाइल्ड को मैं दोबारा बी से लिंक कर दूं तो क्या होगा कि मेरे को थ्रेड मिल जाएगी, मुझे एक बैक एज मिल जाएगा वापस पेरेंट तक जाने का, जिसके सहारे मैं दोबारा पेरेंट पे पहुंच पा रहा हूँ और फिर मैं बी के राइट पे जा पाऊंगा। यानी कि आपने ए से बी पे जाने का सॉल्यूशन तो निकाल लिया, बट बी से एफ पे कैसे जाऊं? बी के पास तो राइट चाइल्ड है, पर उसके राइट के पास जाओ, अब उसके राइट के पास जाओ, अब उसके लेफ्ट के पास जाओ। अब आप जैसे ही बी पे गए, बी पे जाते हो, डी आता है, डी के बाद आपको मिलेगा सी, अब सी से वापस डी पे जाना है, अगेन सेम सी के राइट को डी से अटैच कर दो, अब सी से डी पे जाने का रास्ता तो मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं पहुंचा ई के पास, अब जैसे ही मैं ई के पास पहुंचता हूं, अब ई के पास क्या रास्ता होना चाहिए? क्या ई को बी के पास वापस जाना चाहिए, एफ के पास? जरा एक मिनट सोचते हैं। देखो इवेंचुअली यहां पर हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो एफ ने अपने लेफ्ट की कॉल लगाई, बी ने अपने लेफ्ट की कॉल लगाई एंड ए के पास गया, ए ने अपनी दोनों कॉल लगाई एंड वापस वो कहां पहुंच गया, बी के पास, फिर बी ने अपने राइट की कॉल लगाई, फिर डी के पास गया, डी ने अपने लेफ्ट की कॉल लगाई एंड सी के पास गया, सी ने लेफ्ट की कॉल लगाई फिर राइट की कॉल लगाई एंड दोनों कॉल के बाद वो यहाँ से बैक ट्रैक कर गया। पर जैसे वो डी के पास वापस आया उसने बोला राइट की कॉल लगा के देखते हैं। अब मैं ई के पास आया, ई ने लेफ्ट की कॉल लगाई एंड फिर राइट की कॉल लगाई होगी, पर जब वापस ई के पास आया ना, अब ई इवेंचुअली जाना चाहिए अपने पेरेंट डी के पास, फिर डी जाएगा बी के पास एंड बी जाएगा एफ के पास। बट आप एक जगह सोचो, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल या फिर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर मैं ई के डायरेक्ट डी पे और डी से बी पे और बी से एफ पे क्यों जाऊँ, डायरेक्टली मैं एफ पे क्यों ना चला जाऊँ? क्या मुझे इन नोड का कुछ काम है? आप देखो इन नोड के प्रोसेसिंग तो हो चुकी है, बी का पूरा लेफ्ट जो भी लेफ्ट ट्री था, लेफ्ट चाइल्ड था, उसे मैंने प्रिंट कर दिया, मैंने डी के लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट कर दिया, पहले मैंने बी को प्रिंट किया, ए के लेफ्ट और बी के लेफ्ट चाइल्ड को प्रिंट कर दिया और जो भी उसके पास सब ट्री रहा होगा सबको प्रिंट कर दिया। मैंने बी के राइट पे गया एंड राइट पे जाने के बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड को मैंने प्रिंट कर दिया एंड सेम मैंने फिर डी को तो प्रिंट कर ही दिया था पहले, अब मैं डी के राइट पे गया, राइट को प्रिंट कर दिया एंड उसके पास लेफ्ट होता तो लेफ्ट को भी प्रिंट कर देता। अब ये सारे नोड तो प्रिंट हो ही चुके हैं, फिर इन सारे नोड का यूं कह लूं मैं इनका प्रोसेस तो कर चुका हूं, जो भी इन पर वर्क करना था वर्क मैं परफॉर्म कर चुका हूं, तो वापस इनके पेरेंट पे क्यों जाऊं? क्यों ना मैं यहां से डायरेक्टली ई के राइट चाइल्ड का यूज करके वापस एफ पे चला जाऊं, यानी कि ई से डी पे, डी से बी पे और बी से एफ पे जाने से बेटर मैं डायरेक्टली कहां चला जाऊं, यहां पर एफ पर चला जाता हूं। फिर अब जी पर आए, अब जी के पास लेफ्ट तो है नहीं पर राइट एग्जिस्ट करता है, फिर आई के पास है, आई के पास लेफ्ट है, इसके राइट को इससे लिंक करा और इसके राइट को डायरेक्टली इससे किससे लिंक करें, कोई है ही नहीं मेरे पास, तो मतलब इसके राइट को मैं लिंक करूंगा किसी नल वाले पॉइंटर से। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेरा ट्री है ना, इस टाइप का ट्री कहलाता है आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब मेरे पास यहाँ पर हर एक नोड तक पहुंचने का कुछ ना कुछ जरिया है। हाँ, यहाँ पे कुछ साइकिल वाली चीज आ रही है, साइकिल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जैसे कि एक साइकिल बन रहा है यहाँ पर, ये एक साइकिल बन रहा है, देखिए
यहाँ पर फिर एक साइकिल बन चुका है। अभी साइकिल है, इसको बचाना पड़ेगा, ऑफकोर्स इसको बचाएंगे हम किसी तरीके से, पर ये जो तरीका है ना, इससे हम वापस अपने पेरेंट पे पहुंच पा रहा हूँ। देखो एफ से बी पर गया, बी से ए पर गया, ए से वापस बी पे आ गया, मतलब पहले एफ से बी पे गया, बी से ए पे गया और ए से वापस बी पे जाने का तरीका है। फिर मैं बी से डी पे जा सकता हूँ, डी से सी पे जा सकता हूँ, सी से वापस डी पे जा सकता हूँ, डी से ई पे जा सकता हूँ और ई से वापस मुझे डी बी पे जाने की क्यों जरूरत है, डायरेक्टली आप एफ पे चले जाओ और एफ के बाद आप बी डी ई पे जाना चाहते हो दोबारा जा सकते हो। ए से मैं जी पे भी जा सकता हूँ, जी से मैं वापस आई पे जा सकता हूँ, आई से एच पे जा सकता हूँ और एच से वापस आई पे जा सकता हूँ और आई से मैं नल जा रहा हूँ। तो मैं सारे नोड तक, अपने सभी नोड तक मैं इजिली एक्सेस कर पाया, मतलब उन सारे नोड को मैं इजिली ट्रेवल कर पाया। एक बार दोबारा देखो, आई थिंक मेरे पीछे छुप गया था ये, चलो इधर देखते हैं। सबसे पहले देखो एफ से एफ पे थे आप, एफ से आप बी पे गए, बी से फिर ए पे गए, ए से बी पे गए दोबारा, फिर आप जाते हो बी से डी की ओर, और डी से मैं सी की ओर जा सकता हूँ, सी से वापस डी की ओर जाया जा सकता है, डी से फिर ई पे जा सकते हो, ई से डायरेक्टली डी बी पे ना जाकर डायरेक्टली मैं कहाँ चला गया, एफ पर। अब मैं चाहूँ तो एफ से वापस इसको ट्रैवल कर सकता हूँ और मैं वापस इन सबको भी ट्रैवल कर सकता हूँ, क्योंकि वापस मैं एफ के पास आ गया अपने एक्चुअल पेरेंट के पास। और मैं यहाँ से अब जी पे भी जा सकता हूँ, जी से मैं आई पे, फिर एच पे और एच से वापस आई पे और फिर मैं नल पे। तो मैं सभी पेरेंट को दोबारा एक्सेस कर पाया, तो ऐसा कोई नोड नहीं है जिसको मैं दोबारा रीच नहीं कर पा रहा हूँ। देख लो यहाँ पे हर एक नोड रीचेबल है। अगर आप डी पर हो तो क्या आप एफ को रीच कर सकते हो? बिल्कुल, डी से ई पे जाओ, वापस जी पे चले जाओ। अगर आप जी पर हो तो क्या आप, जैसे मैं अगर एच पे हूँ तो क्या वापस मैं जी को रीच कर सकता हूँ? अब जैसे यहाँ पर मुझे वापस जी को रीच करने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पे मैं वापस जी वाले को रीच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वाले का प्रोसेस तो करके आ ही चुका हूँ ना। मैं जब इस वाले नोड पे आया था तो मैंने इसके लिए जो भी मुझे सर्टेन प्रोसेस करना था, जो भी वर्क मुझे परफॉर्म करना था, मैं तो कर चुका था। वापस इस नोड पे क्यों जाऊँगा मैं? फिर मैं वापस इस नोड पे क्यों जाऊँगा? अब मुझे यहाँ पर जब मैं आया, अब जब मैं बी पर आया तो बी पे एक इशू था। जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपने एफ पर आए, आपने एफ का वर्क परफॉर्म किया, आपने बी का वर्क भी परफॉर्म किया, फिर आप ए पे, आप वापस बी पे क्यों जाओगे? वापस बी पे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे डी की ओर जाना है। बी की ओर जाने के लिए मुझे बी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसीलिए वी पे जाना जरूरी है। बट अगर मैं जी के पास आया, मान लो इसके पास एक चाइल्ड होता इधर, जस्ट इमेजिन इधर एक चाइल्ड होता वन नाम का, तो क्या करता? अब मुझे वन से वापस जी पे जाना है, तो यहाँ पे एक थ्रेड बनी होती जिससे मैं वन से वापस जी पे चला जाता और फिर उससे राइट की ओर जा सकता था मैं। तो यहाँ पे थ्रेड क्या करता है? थ्रेड मुझे बस ये इंश्योर कराता है कि वापस मैं पेरेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो फिर मेरे पूरे ट्री के सभी नोड को एक्सेस करना पॉसिबल है, हर एक नोड पे जो वर्क परफॉर्म करना वो करना पॉसिबल है। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होगी, थोड़ा वेग वेग सा समझ में पक्का आ गया होगा। अब इसको एक्यूरेटली समझने के लिए ना आपको इसकी एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, मतलब थ्रेड बाइंडिंग ट्री का सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये हर एक नोड के बीच में थ्रेड से कनेक्ट कर देता है जिसके सारे वापस पेरेंट तक पहुंचा जा सके, मतलब जिस पेरेंट तक पहुंचना यूजफुल है और जिसके जिसके बिहाफ पर हम बाकी चाइल्ड का प्रोसेस कर पाए। तो बाकी चाइल्ड का प्रोसेस करने के लिए आपको वापस पेरेंट पे जाने के लिए थ्रेड का सहारा लेना पड़ता है। थ्रेड एक्चुअल में कौन होता है? आपका राइट चाइल्ड ही होता है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ एप्लीकेशन सॉल्व करने वाला हूँ, जैसे कि स्टार्ट करूंगा पहले इन ऑर्डर मॉडिश ट्रेवर्सल, देन प्री ऑर्डर मॉडिश ट्रेवर्सल और फिर कुछ आगे इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इन एप्लीकेशन को देख लोगे तो ये मॉडिश ट्रेवर्सल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड फिर उस एप्लीकेशन को देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर होता चला जाए। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ जितना हो सके इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।